और सीधे चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं, क्या कुछ कह रहे हैं चलिए सुनवाते हैं। बताना चाहूंगी, हार्वेस्टिंग का टाइम है, सोइंग का टाइम है, अभी हम लोग कनक भी बीज रहे हैं, फसल भी काट रहे हैं, तो मैं किसानों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अरे आधा घंटे के लिए करना था जी, दीदी ऐसे थोड़ा चलता है जी, आधे घंटे के लिए बुला, खाना खाने के लिए तो आते ही है, ऐसे थोड़ा चलता है। बिल्कुल सर। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके, और आप बड़े हिम्मत से वहां लीडरशिप दे रही हैं, सीमा सुरक्षा भी कर रही हैं और महिलाओं को प्रेरित भी कर रही हैं। मेरी तरफ से आपको और सभी गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत सर। जय भारत। जो लाभार्थी हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। इस कार्यक्रम में जुड़े अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, सभी मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, और गांव गांव से जुड़े हुए सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, मेरे किसान भाई बहनों, और सबसे ज्यादा मेरे नौजवान साथियों, आज देश के गांव गांव में मैं देख रहा हूं कि गांव गांव से इतनी बड़ी संख्या में लाखों देशवासी, और मेरे लिए तो पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, तो आप सब मेरे परिवारजन है, आप सब मेरे परिवारजनों के दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है। दूर से सही, लेकिन आपके दर्शन से मुझे शक्ति मिलती है। आपने समय निकाला, आप आए, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे हो रहे हैं। शुरू की तैयारी में शायद कैसे करना क्या करना उसमें कुछ उलझन रही, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो खबरें मेरे पास आ रही है और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं, हजारों लोग एक एक यात्रा के साथ जुड़े हुए दिखते हैं, और इन 15 दिनों में ही लोग यात्रा में चल रहे हैं विकास रथ को, और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मुझे कई लोगों ने कहा कि अब तो लोगों ने इसका नाम ही बदल दिया है। और लखनऊ से बड़ी खबर, सीएमएस पुष्पलता कनौजिया का नया कारनामा आया सामने। ड्यूटी से 11 महीने गायब रही सीएमएस पुष्पलता कनौजिया, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दिखाई मेहरबानी। 21 जुलाई 2022 से गायब रही और 5 जून 2023 को ड्यूटी पर वापस लौटी। बिना छुट्टी लिए गायब रही पुष्पलता कनौजिया। तो लखनऊ से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं जहां सीएमएस पुष्पलता कनौजिया 11 महीने अपने ड्यूटी से गायब रही, और 11 महीने बाद फिर से वो दोबारा वापस ड्यूटी पर लौटी हैं। तो पुष्पलता कनौजिया जो कि सीएमएस है, उनका एक नया कारनामा सामने आया है। बिना किसी जानकारी के 11 महीने तक वह ड्यूटी से गायब रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। शुभम, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, पता लगातार कहा जा सकता है कि पुष्पलता कनौजिया जो सीएमएस है रामसागर मिश्र संयुक्त चिकित्सालय बीकेटी की, वहां पर उनका कारनामे जो है लगातार देखे जाते हैं। लगातार उनके कारनामों की जो लाइन है वो लगी रहती है, क्योंकि चाहे वो वसूली का हो चाहे अभद्रता का हो, अक्सर उनके साथ ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। एक मामला सामने उजागर हुआ है, साफ तौर से देखा जा सकता है कि पुष्पलता जो कनौजिया है सीएमएस है रामसागर मिश्र अस्पताल में, वो जो है 2022 से आरएलबी हॉस्पिटल जो है वहाँ पर डॉक्टर के पद पर तैनात थी। डॉक्टर के पद पर तैनात होने के बाद वो 2022 में वो वहाँ बाकायदा डॉक्टर की ड्यूटी निभा रही थी, एकदम से वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। उसके बाद
5/6/2023 को जो है सीएमएस के पद पर तैनात हो जाती हैं आकर के, साफ अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से एक लगभग 11 महीने तक वो अपनी ड्यूटी से गायब रहती है, विभाग को इसकी जानकारी नहीं होती है, साफ अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से उनकी जो कार्यशैली है वो देखी जाती है। आखिरकार विभाग को जो ड्यूटी लेना जो जरूरी होता है, विभाग को जानकारी देना जो जरूरी होता है वो देना उन्होंने उचित नहीं समझा, साफ तौर से देखा जाता है। उनकी तरफ से जब वो ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाती है, सीएमएस बन जाती है, उसके बाद उनकी तरफ से एक जो एक लेटर वायरल होता है, देखा जाता है कि 8वें महीने में 2023 में उनका एक लेटर वायरल होता है, उनकी तरफ से छुट्टी की जो बात है वो बताई जाती है। साथ पाया जाता है कि जो चीज पहले होनी चाहिए, जो प्रोसीजर पहले फॉलो होने चाहिए थे, वो प्रोसीजर बाद में बताए जा रहे हैं। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य महकमा है पूरी तरीके से लापरवाह साबित हो रहा है, क्योंकि जब अपने अधिकारियों पर ही उनकी नजर नहीं है कि अधिकारी छुट्टी पर है या ड्यूटी पर है, तो शायद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर ड्यूटी से 11 महीने बाद गायब रहने के बाद वो दोबारा लौटी है, इस दौरान कहां थी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, साफ तरीके से कहा जाता है जिस तरीके से उनका जो एक जो पेपर है वो वायरल हुआ है, उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को जो एक पेपर दिया है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि वो किसी कारण जो है उनका इलाज जो है हो रहा था, उसके कारण वो जो है छुट्टी पर गई हुई थी। लेकिन इससे पहले जो प्रोसीजर होता है विभाग का को कि विभाग को पहले से जानकारी देनी होती है कि उनको किस तरीके की छुट्टी चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन विभाग के पास ऐसा कोई डेटा जो है नहीं मौजूद है। लेकिन साफ तौर से कहा जा सकता है कि 11 महीना गायब होने के बाद उनका कोई भी अता पता नहीं था, ना विभाग को था ना ही उनके लोगों का था, तो जाहिर सी बात है कि RLB जो हॉस्पिटल है वहां पर वरिष्ठ परामर्शदाता के तौर पर वो तैनात थी, वहां से जो रामसागर मिश्रा हॉस्पिटल है वहां पर वो 2023 में पहुंच जाती हैं, जाहिर सी बात है कि ऊंची पहुंच या ऊंचा रसूख रखती होंगी, जाहिर सी बात है कि जिसके लिए अधिकारियों ने भी उनको एक जगह से दूसरे जगह भेज दिया और उनकी जो खोजबीन है वो भी नहीं की, और वो मनमाने तरीके से अपने काम करते हुए लगातार दिखाई दे रही और लगातार उनकी मनमानी देखी जा सकती है। शुभम, इतने दिनों के बाद वो किस आधार पर जो है उन्हें फिर से दोबारा पद पर स्थापित किया गया है? जी बिल्कुल, साफ कह सकता है जिस तरीके से वो 11 महीने पूरी तरीके से विलुप्त रही थी, बाकायदा उनका कोई भी जानकारी जो है नहीं थी, और जिस हिसाब से बताया जा रहा है मिल रही जानकारी के हिसाब से कि विभाग को कोई भी डेटा जो है उनकी तरफ से नहीं दिया गया था कि वो किस कारण छुट्टी ले रही आखिरकार किस कारण वो जा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है विभाग के लोगों को ही जब जानकारी नहीं है और उनको ना ही उन्होंने किसी को अपडेट किया था और उनको एक डॉक्टर से उनको CMS बना दिया जाता है, ये अब देखना ही होगा जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं संलिप्तता जो सामने आएगी, क्योंकि जब एक अधिकारी को दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जाता है उस दौरान वो कई सारे प्रोसीजर होते हैं, वो अधिकारी ड्यूटी पर है या नहीं है, ऐसे तमाम सारे चीजें जो है होती हैं। लेकिन उसके बावजूद साफ तौर से देखा जा सकता है कि जब वो RLB जो हॉस्पिटल है वहां पर मौजूद थी, वहां से वो ग्रामीण इलाके में जो रामसागर मिश्रा हॉस्पिटल है वहां पर ट्रांसफर जाती, वहां पर वो CMS बाकायदा बना दी जाती है, वहां पर भी उनकी मनमानियां देखी जाती हैं, बाकायदा जो है आला अधिकारियों को उनकी शिकायत भी दी जाती है लोगों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी कुर्सी पर मौजूद है, लगातार उनकी मनमानी देखी जाती है। एक लेटर जो है बाद में एक वायरल हो रहा है कि वो 9 महीने जो 11 महीने है वो गायब क्यों रही थी, उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया है पुष्पलता कनौजिया की तरफ से उस लेटर में कि वो उनका जो स्वास्थ्य है वो खराब था, जिसके कारण वो 11 महीने ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाई थी, ड्यूटी से दूर रही थी। साफ पहले तो जब अधिकारी पर बाद में बता रहे हो अपने आला अफसरों को, तो जाहिर सी बात है आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य महकमा है, किस तरीके से काम कर रहा होगा। जी शुभम, दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कहा जा रहा है, क्यों अब तक कोई जाँच नहीं की गई है? जी बिल्कुल, साफ तौर से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उनकी जो 11 महीने जो हॉस्पिटल से और बाकायदा अपनी ड्यूटी से लापता रही थी, उनका कोई अता पता नहीं था विभाग को, अब देखना ही होगा कि किस तरीके से कार्रवाई अधिकारी करते हैं, आखिरकार इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जो रजिस्टर बनता है अटेंडेंस का उस पर किस तरीके की अब्सेंट लगाई गई हैं या फिर वो प्रेजेंट दिखाई गई, ये सभी चीज़ें जो विभाग है जब जाँच करेगा तब सामने आ पाएंगी कि आखिरकार वो चीज़ें किस तरीके से चल रही थी, आखिरकार इनका
ट्रांसफर किस आधार पर, किस जगह पर और क्यों कर दिया गया, आखिरकार उनके बारे में जानकारी विभाग को थी कि नहीं थी, क्योंकि अगर विभाग को जानकारी होती तो पुष्पलता कनौजिया जी को साफ पता चलता कि उनकी तरफ से एक लेटर विभाग को नहीं दिया जाता कि वो 11 महीने तक गायब रही हैं, 11 महीने तक वो अस्वस्थ रही हैं। साफ तौर से कहा जाता है, इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने पहले विभाग को कोई भी जानकारी नहीं दी थी, उसके बाद अब वो जानकारी देना शुरू किए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने बचाव में, अपने आप को बचाने के लिए पुष्पलता कनौजिया जो है एक लेटर जो है विभाग को दी है। अब देखना है उस लेटर में क्या सच्चाई है और जो अधिकारी जाँच करेंगे वो किस तरीके के दस्तावेज देखते हैं, आखिरकार प्रेजेंट ऑप्शन जो होता है उसको देखते हैं कि नहीं देखते हैं, किस आधार पर। बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। और लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 6 विधेयक पेश, श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद विधेयक किए गए पेश, उत्तर प्रदेश जल मार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 भी पेश किए गए हैं, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण 2023 पेश किए गए हैं, माल और सेवा कर संशोधन विधेयक भी पारित हुआ है, अब ऑनलाइन गेम पर 28% जीएसटी वसूली का रास्ता भी साफ हो गया है, जल मार्ग प्राधिकरण विधेयक के जरिए सरकार बनाएगी प्राधिकरण, नदियों में क्रूज और बड़े नावों के परिवहन की व्यवस्था होगी। और इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से शुभम पांडे जुड़ गए। शुभम, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बता दें यूपी विधानसभा से शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। साफ तौर से कहा जा सकता है कि 6 विधेयक जो हैं वो पास हो चुके हैं। अयोध्या को लेकर के जो बातें कही जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे वहां के विकास के मामले में, वहां की चीज़ों के मामले में साफ तौर से देखा जा सकता है कि वो विधायक जो विधेयक है उस लिस्ट में उसका नाम आया है। और लगातार कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो कहीं ना कहीं धार्मिक जो स्थल हैं उस पर साफ तौर से फोकस किया गया है, चाहे वो देवी पाटन हो, चाहे वो किसानों की बात हो, अधिकतर चीजों पर जो बात है वो की गई है, जो विधेयक है वो पास किए गए हैं, और सीरा जो नीति है उस पर भी जो है जो विधेयक है वो पास किया गया है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं जो बजट आया हुआ है, बजट की जो बात कही जा रही है, बिजली विभाग के लिए लगभग जो है 100 करोड़ का जो बजट रखा जा रहा है कि उस पर खर्च होगा। वहीं शुभम बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करते हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर, कुछ ही देर में शुरू होगी बीएसपी की बैठक, लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी की बड़ी बैठक, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बुलाई है बड़ी बैठक, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर करेंगी बैठक, यूपी उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया, चुनाव की तैयारी, उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होगी। तो कुछ ही देर में जो है बीएसपी की बैठक शुरू होने वाली है और लोकसभा चुनाव से पहले यह जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। शुभम, कब से बैठक शुरू होनी है और कौन कौन से लोग जो है अब तक पहुंच चुके हैं? जब बिल्कुल बता दें कि बीएसपी की तरफ से आज जो है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है, आज अहम बैठक की जा रही है। ये बैठक जो है 2024 का जो चुनाव आने वाला है लोकसभा चुनाव, उसमें उसको लेकर के एक अहम बैठक बताई जा रही है कि उसमें जो पदाधिकारी हैं उन सभी को बुलाया गया है, उसमें कई लोग मौजूद हैं। साफ तरीके से कहा जाता है सतीश चंद्र मिश्रा हैं वो भी मौजूद हैं, और साफ तरीके से देखा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा जो कार्यकर्ता है वो पहुंच चुके हैं, लगातार उनके पहुंचने के जो सिलसिले हैं और वो देखे जा रहे हैं। बैठक उसी समय में शुरू होगी। और जी शुभम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।